ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने पहले सफर पे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। इस पर करीब 2228 लोग सफर कर रहे होते हैं, जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। ये जहाज न सिर्फ उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, बल्कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव जहाज भी था। 46,000 टन वजन, 842 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई का ये अद्भुत जहाज उस समय $7.5 मिलियन की लागत से बनवाया गया था, जो आज के समय में $400 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए के बराबर है। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन के गेट होटल पे आधारित था, जिसमें स्विमिंग पूल और जिम से लेकर टेनिस कोर्ट और म्यूजिक से जुड़ी सारी सुविधाएं शामिल थी। ये जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। इसमें यात्रियों के लिए 20,000 बियर और शराब की बोतलों के साथ 80,000 महंगे सिगार और तरह तरह के खाने की व्यवस्था की गई थी। टाइटैनिक का आकार 3 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। उस समय में इतने बड़े जहाज का निर्माण कर पाना इतना आसान नहीं था। इस जहाज ने केवल निर्माण के समय में ही 24 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था और लगभग 300 मजदूरों को घायल कर दिया था। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3,000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया था, जो कि केवल 26 महीनों में यानी 31 मार्च 1911 तक इसे पूरा बना दिया गया था। लेकिन इसका डेकोरेशन वर्क 1912 तक चलता रहा। टाइटैनिक को उस समय की सबसे बेहतरीन कंपनी व्हाइट स्टार लाइन्स द्वारा बनाया गया था, जिसके वाइस प्रेसिडेंट का दावा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी थी। दरअसल ये वार्निंग अक्सर समुद्र में रहने वाले जहाज अपने आसपास के जहाजों को देते रहते हैं, ताकि रास्ते में पड़ रहे बर्फ के पहाड़ों की जानकारी दूसरे जहाज को रेडियो के थ्रू दे सके और बता सके कि इस एरिया में सबसे ज्यादा बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना। लेकिन वार्निंग मिलने के बाद भी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जहाज की स्पीड को कम नहीं करते और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जहाज आगे बढ़ता ही चला जाता है। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को और 6 चेतावनी मिलती हैं, लेकिन स्मिथ और क्रू मेंबर इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। रात का समय था, टाइटैनिक अपनी टॉप स्पीड से आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी 11:39 पर क्रोज नेस्ट में बैठे फेडरिक फ्लिक को एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग दिखता है, जो कि केवल 200 मीटर ही दूर था। फ्लिक जल्दी से घंटी बजाकर फोन पर कैप्टन से बर्फ के पहाड़ के बारे में बताता है और कहता है, जल्दी से इस जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो, वरना हम टकराने वाले हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। 11:41 पर टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है। टकराव इतना भयानक था कि जहाज के आधे हिस्से में पानी भर चुका था, जिसके कारण वो धीरे धीरे बेंट हो रहा था। कैप्टन स्मिथ को पता लग चुका था कि ये अनसिंकेबल जहाज अब डूबने के कगार पे है। उन्होंने रेडियो ऑपरेटर को मदद मांगने को कहा, लेकिन आसपास कोई जहाज ही नहीं था जो मदद के लिए आ सके। 20 मिनट तक रेडियो पर कोशिश करने के बाद आरएमएस कार्पेथिया उनके सिग्नल को कैच कर लेते हैं और उनकी हेल्प के लिए उनकी ओर निकल पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज 107 किलोमीटर दूर था, जो अपने टॉप स्पीड से 3.5 घंटे में टाइटैनिक के पास पहुंच सकता था। लेकिन क्या टाइटैनिक 3.5 घंटे तक इस मुश्किल परिस्थिति में बचा रह सकता था? इसी बीच कैप्टन ने लाइफ बोट्स की हेल्प से लोगों को सेफ जगह ले जाने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। टाइटैनिक पे टोटल 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइनर ने लाइफ बोट्स की संख्या घटाकर 20 कर दी थी। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई, तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी बोट्स को लटकाने से टाइटैनिक की सुंदरता खराब हो जाएगी और वैसे भी ये कभी न डूबने वाला जहाज है। अब इस लाइफ बोट्स में पहले औरतों और बच्चों को ट्रांसफर किया गया। ज्यादातर लोग अब भी ये मानते थे कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग जबरदस्ती में नाव में बैठ गए, तो कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। 2:20 पर जहाज में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण जहाज के आगे का हिस्सा पानी में डूबता ही गया और प्रेशर की वजह से ये 2 हिस्से में टूट गया। लेकिन अब भी करीब 1500 लोग जहाज पे मौजूद थे। कुछ मिनटों बाद जहाज के पीछे वाला हिस्सा भी डूब गया। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिसके कारण कुछ लोग डूबने के कारण और कुछ लोग हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, क्योंकि इस टेम्परेचर में एक नॉर्मल इंसान 10 मिनट से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। कैप्टन स्मिथ के बारे में बताया जाता है कि अंत तक वो अपने व्हील पे ही बने रहे थे और जहाज के साथ ही डूब गए। 3:30 पर आरएमएस कार्पेथिया, जो कि मदद के लिए निकला था, टाइटैनिक के पास पहुंच जाता है, जहां उनको लोगों की लाश तैरती हुई नजर आती है। लेकिन जो लाइफ बोट्स में थे उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगर टाइटैनिक पे सफिशिएंट लाइफ बोट्स होती तो शायद सभी को बचा लिया जाता। टाइटैनिक जहाज को ढूंढने में ही 70 सालों का वक्त लग गया था, यानी सितंबर 1985 को रॉबर्ट बफेल द्वारा इसकी खोज हुई, जो कि समुद्र के 3.8
किलोमीटर नीचे टाइटेनिक के अवशेष पाए गए, जिनके दो अलग अलग टुकड़े मिले जो कि आपस में 600 मीटर की दूरी पे था। आज के समय में जहाज लगभग गायब ही होने वाला है। अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटेनिक जहाज की असली घटना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे अगर आपको अमेजन जंगल के रहस्यों के बारे में जानना है तो राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।